तो भाई साहब ये मैं पहुंचा हूँ स्टेज पे और यहाँ से भाई साहब पूरा नज़ारा देखो। वेरी गुड इवनिंग, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा मैं बनाया था कि 22 जनवरी को भाई साहब रायपुर शहर में पूरा फुल माहौल रहेगा अयोध्या जैसे, तो वही माहौल आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अभी पहुंचा हूं रायपुर के भव्य श्री राम मंदिर के पास। और यहाँ यार इतना जाम लगा है ना पूछो मत। आप लोगों को राम मंदिर के पास नया कुछ देखने को मिलेगा, भगवान श्री राम का एक टेम्प्रोरी स्टैचू लगाया गया है और ये पूरा पता नहीं क्या बना है, जटायु का पंख जैसा तो लग रहा है, बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताना। बड़ी मुश्किल से शूज अपना रिमूव कर पाया हूँ और नीचे रख दिया हूँ, बाकी अब चलते हैं सीधे मंदिर के लिए क्योंकि आए हैं तो मंदिर दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे क्योंकि आज का दिन है भाई साहब ऐतिहासिक दिन है, चाहे भीड़ जितना भी हो लेकिन दिखाएंगे तो जरूर आप लोगों को पूरा भी। फाइनली गाइस दर्शन कर लिया, आप लोगों को भी करा दिया, यार गर्मी आ गया, जैकेट पहन के आया था घर से कि ठंडा लग रहा है, बट यहाँ आने के बाद तो यार गर्मी सर चढ़ के बोल रही है, भयंकर गर्मी लग रहा है। भाई ये तेलीबंदा का रोड है, पूरा एकदम जाम लगा है इधर, भयंकर भीड़। मैं तो फटाफट गया कैसे भी कैसे करके, वहाँ दर्शन किया और वहाँ से निकल गया हूँ अब। और ये देखो साइड वाला जो रोड है ना पूरा जाम लगा है, अब सीधे यहाँ से मैं पकड़ूंगा अटल एक्सप्रेसवे और पहुँचूंगा रेलवे स्टेशन। तो भाई कुल मिला के ये माहौल है अपना रायपुर रेलवे स्टेशन का। अभी गाना थोड़ा बंद हुआ है तो मेरा वॉइस आप लोग सुन सकते हो, और पास लेकर आओ तो यहाँ देखो मस्त दीप भी जलाया जा रहा है और पूरा भक्तों की भाई साहब अंदर ना भीड़ लगी है। बाकी आप लोगों को सीन देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अपन यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं अभी जहाँ 11 लाख दीप जलाए जा रहे हैं कोटा में, क्योंकि वहाँ पहुँचना टाइम से ज़रूरी है, समय 7:19 तो यही हो गया है, अभी जाने में समय लगेगा। पार्किंग किधर है भी कि आगे है? भैया पार्किंग किधर है? पार्किंग यही गेट आगे में, ये बंद कर दिया जाम हो रहा है। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं कोटा के उस एरिया में जहां ये भव्य आयोजन हो रहा है। गला थोड़ा बैठा है, थोड़ा सजेस्ट आप लोग कीजिएगा, अभी गला पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले देखिए लगभग 35 से 40 फीट का एक बड़ा सा जो श्री राम भगवान का एक स्टैचू है उसको बनाया गया। बाकी गाइस 23 जनवरी से यहाँ हनुमान जी का कथा भी होगा तो उसके लिए देखो भव्य एंट्री गेट भी बनाया गया है और कथावाचक वीरेंद्र कुश शास्त्री जी द्वारा कथा कहा जाएगा। बाकी गाइस जैसे मैं यहाँ पहुँचा पटाखा फोड़ने का सिस्टम मुझे लग रहा है कि चालू कर दिया गया है, आतिशबाजी अभी यहाँ होगा। और भाई साहब क्या प्रॉपर लाइट आ रहा है स्टेज से, एक तरफा लाइट आ रहा है।
पीछे तक जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, आप सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सारे लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे और प्रभु श्री राम की राम का नारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कार्यक्रम को फिलहाल आगे बढ़ाते हुए बाकी ये पूरा एरिया में कल आप लोगों को दिखाया था, बहुत बड़ा एरिया है और उसमें पूरा भाई साहब दीप देखो, एक तरफा दीप जलाया गया है और ये नीचे से बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसको देखना हो तो आप लोगों को ड्रोन शॉट्स ही देखना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा, कल के पेपर में न्यूज़ में आ जाएगा। बाकी लोगों को अच्छा दिखे इसके लिए यहाँ ना एक छोटा सा स्टेज बनाया गया है, इस पर चढ़ के भी लोग देख सकते हैं। मैं चढ़ूंगा थोड़ी देर में, सोचा कि पहले नीचे से आप लोगों को दिखा दूं। भाई साहब ये मैं पहुंचा हूं स्टेज पे और यहां से भाई साहब पूरा नज़ारा देखो, ये पूरा एरिया में यार एक तरफा नज़र आ रहे हैं यहां का दीप, और भाई साहब जो सीन है ना बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। बाकी इस स्टेज से इधर का देखिए पूरा नज़ारा, ये पूरा हो गया स्टेज, लाइटिंग वाइटिंग और ये पूरा भाई साहब ग्राउंड है ना लोगों से पूरा भरा पड़ा है। तो मैं अभी इधर घूम रहा था भाई, मुझे क्या हुआ आए थे ना, तो गाइस फाइनली आप लोग को अभी तक मैं यहाँ का पूरा माहौल दिखा चुका हूँ। मेरे पीछे बड़ा सा स्टेज बना है जहाँ कल से कथा शुरू होगा और बहुत भीड़ लगी है, तो उधर मैं नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं आया था आप लोग यहाँ जो दीप जो प्रज्वलित किया गया है वो दिखाया और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इस बीच बहुत सारे भाई लोग से मुलाकात हुई, बिल्कुल एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो मिले भाई, तो चैनल का नाम बता रहा, चैनल भाई 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 यूट्यूब पर आ जाओ एक बार नारा लगा, ठीक है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो मिलेंगे, ये चैनल का नाम चंदन ब्लॉग, हां देखो ये आ जाएगा ना। चलो बहुत सारी पब्लिक कुल मिला के अभी आ रही है, बाकी मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ और कुल मिला के आप लोग को अभी तक यहाँ का पूरा जो नज़ारा था दिखा चुका हूँ। पीछे बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है जहाँ लाइव कार्यक्रम कुछ कुछ चल रहा है, बट मैं निकलूंगा घर क्योंकि गाड़ी जो है ना मैं बाहर ही पार्क किया हूँ, पार्किंग से बाहर रोड पे, और रोड पे पार्क करना उचित होता है नहीं, इसलिए मैं फटाफट निकल रहा हूँ यहाँ से घर, वीडियो कर रखा हूँ यहीं तक। आप लोग को लगभग रायपुर का हर एक जो इंपॉर्टेंट जगह है ना वहाँ का नज़ारा अभी तक कवर करा चुका हूँ। बोलते बोलते मेरा नस भी दिखने लगा है आजकल, बट कोई नहीं। तो आप लोगों को वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो और यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर जरूर करना इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, ताकि सबको रायपुर के बारे में मालूम चले कि भाई साहब रायपुर में भी इतने बड़े बड़े आयोजन एकदम आसानी से होता रहता है। और अच्छा लगा कुल मिला के मेरे को भी, बाकी आप लोग कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद गाइज।